गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में गणतंत्र दिवस समारोह बड़े धूमधाम से मनाया गया। गणतंत्र दिवस समारोह में प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी की शुभकामनाएं दी। स्कूल के विद्यार्थियों में अनुशासन, समाज सेवा एवं देश प्रेम की भावना को सुदृढ़ करता हुआ यह एसपीसी का परेड था। ये परेड टुकड़े जिसका नेतृत्व कर रहे हैं ऋतिक यादव, सिविल डिफेंस नागरिक रक्षा का यह परेड था। नेतृत्व कर रहे हैं जरूरी भूमिकाओं का निर्वहन करना और स्काउट प्रजातंत्र के प्रहरी जिसका नेतृत्व कर रही है सोनिका शर्मा। हमें देता हुआ सेवा सुरक्षा और सहयोग के प्रति तत्परता का परिचय देते हुए हरियाणा महिला पुलिस बल की यह परेड टुकड़ी जिसका नेतृत्व कर रही है सब इंस्पेक्टर सविता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को चरितार्थ करते हुए महिला सशक्तिकरण का प्रतीक यह परेड दल हरियाणा ट्रैफिक पुलिस बल जिसका। साथ ही उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों को उनके अधिकार दिए गए हैं, पारदर्शी तरीके से पंचायतें अपना पैसा खर्च कर सके ये अधिकार पंचायतों को दिए हैं। 92% गांव में दी जा रही 24 घंटे बिजली हमारी स्वामित्व योजना का पूरे देश में लागू किया गया है। अब तक 24,50,000 परिवारों को स्वामित्व कार्ड दिए गए हैं। कार्यक्रम को देखने के लिए लोग भारी सर्दी के बीच कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी कार्यक्रम को लेकर काफी खुश दिखाई दिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद और उद्धम सिंह जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने लंबा संघर्ष किया। मैं आज इस मौके पर देश की आजादी के लिए अपने प्राणों को निछावर करने वाले सभी ज्ञात और अज्ञात शहीदों के साथ साथ उन जाबांज शहीदों को भी सलाम करता हूं जिन्होंने आजादी के बाद देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। आजादी की लड़ाई में हरियाणा प्रदेश का भी अहम योगदान रहा है। आज भी हरियाणा के नौजवान सेना में भर्ती होना अपनी शान समझते हैं। यही कारण है कि आज भारतीय सेना का हर 10वां सैनिक हमारे प्रदेश से है। आज जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हमें इस बात का विचार करने की आवश्यकता है कि आजादी के बाद हमने अपने स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माताओं के सपनों को भारत बनाने की दिशा में कहां तक सफलता हासिल की है। भाइयों और बहनों, हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों के कठोर संघर्ष से हमें आजादी मिली तो वही दिन रात मुस्तैदी से देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले वीर सैनिकों के कारण हमारी आजादी सुरक्षित है। आज पूरा देश उनका ऋणी है। उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हमने युद्ध के दौरान शहीद हुए हरियाणा के सैनिकों और अर्धसैनिकों बलों के जवानों की अनुग्रह राशि 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दी है। हरियाणा में भी माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में मौजूदा सरकार सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर प्रदेश के हर क्षेत्र का समान विकास करवाने के लिए प्रयासरत है। राज्य सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन एवं सुशासन के पथ पर चलते हुए कई अनोखी पहल की है। प्रदेश में हर व्यक्ति को उनके घर द्वार पर ही सरकार की योजनाएं सेवाओं का लाभ मिले उसके लिए विभिन्न विभागों की योजनाएं सेवाओं का ऑनलाइन किया जा रहा है। मेरा परिवार मेरी पहचान कार्यक्रम के तहत सभी परिवारों के परिवार पहचान पत्र बनाए जा रहे हैं। पीपीपी पोर्टल पर अब तक लगभग 72 लाख परिवारों का पंजीकरण हो चुका है। राज्य सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन को परिवार पहचान पत्र से जोड़ा जा रहा है। देश में पहली बार बीपीएल परिवारों को ऑनलाइन राशन कार्ड देने की सुविधा शुरू की है। अब परिवार पहचान पत्र के माध्यम से बिना आवेदन किए ऑटोमेटिक ढंग से पात्र परिवारों को बीपीएल का पीला राशन कार्ड ऑनलाइन मिल रहा है। बीपीएल कार्ड की प्रक्रिया को भी हमने डायनेमिक इनकम सिस्टम कर दिया है। यदि किसी परिवार की आय कम हो जाती है तो उसका बीपीएल कार्ड स्वतः ही बन जाएगा और आय अधिक हो जाती है तो उसका कार्ड स्वतः ही बंद हो जाएगा।
और देश के सबसे गरीब परिवारों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना चलाई जा रही है। इसके तहत सबसे गरीब परिवारों की पहचान करके उनकी वार्षिक आय कम से कम 1,80,000 रुपए की जाएगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा परिवारों को गरीब कल्याण से जुड़ी योजनाओं का लाभ मिल सके। ऐसे परिवारों की आय बढ़ाने के लिए 78,000 परिवारों को स्वरोजगार के लिए ऋण व अन्य योजनाओं के माध्यम से सहायता दी गई है। हमने अधिक से अधिक गरीबों को मुफ्त इलाज सुविधा देने के लिए आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का विस्तार करते हुए 21 नवंबर 2022 से चिरायु योजना लागू की है। चिरायु योजना के तहत 1,80,000 रुपए से कम वार्षिक आय वाले लगभग 13 लाख नए परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिल गई है। हमने अंत्योदय परिवारों की स्वास्थ्य जांच के लिए निरोगी हरियाणा योजना भी शुरुआत की है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां 500 प्रकार की दवाइयां, 319 प्रकार के ऑपरेशन मुफ्त करवाए जा रहे हैं। एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम में हरियाणा को देश में प्रथम स्थान मिला है। हमने जिन गरीब परिवारों की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए वार्षिक से कम है, उन बेघर परिवारों का सर्वेक्षण करके प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्राथमिकता के आधार पर मकान देने का निर्णय किया है। प्रदेश के सभी तरह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाकर 2,500 रुपए वार्षिक कर दी गई है। इसके अलावा 60 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों को भी 2,750 रुपए वार्षिक पेंशन दी जा रही है। गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह पर शगुन के रूप में मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 71,000 रुपए की राशि दी जा रही है। स्कूल ना जा पाने वाले 18 वर्ष के निःशक्त बच्चों को भी दी जा रही वित्तीय सहायता बढ़ाकर 1,900 रुपए मासिक कर दी गई है। भाइयों बहनों, मुझे बताते हुए भी खुशी हो रही है कि हरियाणा सरकार ने कल ही गन्ना किसानों के हित में गन्ने का मूल्य 372 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। बढ़ा हुआ भाव इसी प्राइस क्षेत्र से लागू होगा, जिसके प्रदेश के लाखों किसान परिवारों को लाभ होगा। हालांकि चीनी की मौजूदा कीमत उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ी, फिर भी हम चीनी की कीमत की तुलना में गन्ना किसानों को अधिक कीमत दे रहे हैं। यह बताना भी जरूरी है कि चीनी मिलें लगातार घाटे में चल रही हैं, फिर भी हमने समय समय पर किसानों के हितों की रक्षा की है। राज्य सरकार का प्रयास किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ बीज से बाजार तक हर कदम पर उसकी मदद करने का है। मूल्य समर्थन तो न्यूनतम मूल्य 14 फसलों की खरीद करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। यह हम सबके लिए गर्व की बात है कि भारत सरकार के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक मोटा अनाज वर्ग मिलेट के लिए घोषित किया है। मोटे अनाज से स्वास्थ्य का होने वाले लाभ और जल संरक्षण का देखते हुए प्रदेश में भी मोटे अनाज की पौष्टिकता के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के साथ साथ किसानों को प्रशिक्षित भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत पात्र लघु और सीमांत किसानों को 6,000 रुपए वार्षिक सहायता दी जा रही है। प्राकृतिक आपदा से फसल खराब होने पर मुआवजा राशि को बढ़ाकर 15,000 रुपए प्रति एकड़ कर दिया गया है। बैंकों से किसानों के लेन देन पर लगने वाले स्टाम्प फीस 2,000 रुपए से घटाकर 100 रुपए कर दी गई है। प्रदेश में बाजरे के लिए भी भावांतर भरपाई योजना शुरू की गई, इसके तहत 600 रुपए प्रति क्विंटल भावांतर दिया गया पिछले एक साल पहले और 450 रुपए इस साल दिया गया। बागवानी फसलों के संरक्षित मूल्य निर्धारित करने के लिए चलाए जा रहे तभी भावांतर भरपाई योजना के में 21 बागवानी फसलों को शामिल किया गया है। इस योजना में शामिल सभी बागवानी फसलों को मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में कवर किया गया है। बागवानी बढ़ावा देने के लिए 11 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए गए हैं। पिछले हफ्ते ही इसराइल के एम्बेसडर आकर के हमारे क्षेत्र गेगड़ाऊ के अंदर 11वां एक्सीलेंस सेंटर जो है स्थापित हुआ। भाइयों बहनों, राज्य सरकार महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अवसरों प्रदेश में जन्म के समय लिंगानुपात की दर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। प्रदेश में पिछले 8 वर्षों में कुल 72 नए राजकीय महाविद्यालय खोले गए हैं, जिनमें से 31 लड़कियों के लिए हैं। इसके लिए प्रदेश में
29 महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भी स्थापित किए गए हैं। मैं समझता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में हरियाणा से ने अभूतपूर्व काम किया है। भाइयों बहनों, प्रदेश में संस्कार और रोजगार से युक्त शिक्षा देने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी लागू की जा रही है। इसे प्रदेश में वर्ष 2025 तक पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा। प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर सुविधाएं देने के लिए 126 नए संस्कृति मॉडल स्कूल खोले गए हैं। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को लगभग 6 लाख तक मुफ्त दिए हैं। और कहीं हमारे गरीबों को बच्चों की भावना ना आए कि हमारे परिवार के हमारे जो है हमारे निर्देश नहीं दिलवा पाते, उन गरीब बच्चों का परिवार उनका सदस्य हमारे हरियाणा सरकार काम करके उनको इंटरनेट बांटे गए हैं। तकनीकी संस्थानों में उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण के लिए उद्योगों के साथ MOU किए गए हैं। हमारे युवा प्रतियोगी परीक्षा में अग्रणी रहे इसके लिए सुपर 100 प्रोग्राम चलाया गया है। यह गर्व की बात है कि इसके तहत कोचिंग पाने वाले विद्यार्थी IIT मेन्स नीट जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में स्थान पर प्राप्त कर रहे हैं। युवाओं को नौकरी के लिए बार बार आवेदन करने और फीस भरने से छुटकारा दिलाने के लिए एकल पंजीकरण की सुविधा शुरू की गई है। बार बार प्रतियोगिता परीक्षा योग्यता दिलाने के लिए कॉमन पात्रता परीक्षा का प्रावधान किया गया है। पिछले दिनों ग्रुप सी की परीक्षा भी आयोजित की गई है। प्रदेश में आउटसोर्सिंग से जुड़ी सरकारी सेवाओं में ठेका प्रथा को बंद करने का करके हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाया गया है। भाइयों और बहनों, हमारे खिलाड़ियों ने ओलंपिक व अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर देश व प्रदेश का नाम रोशन किया है। गत वर्ष जून माह में हमने खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का सफल आयोजन किया है। इन खेलों में हमारे खिलाड़ियों ने 137 पदक जीतकर देश में पहला स्थान प्राप्त किया। हरियाणा पीरों की भूमि है, हरियाणा किसानों की भूमि है, हरियाणा खिलाड़ियों की भूमि है। इन सब खिलाड़ियों के लगन में मेहनत और सरकार की खेल नीति का यह अच्छा परिणाम आया है। हरियाणा पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार के रूप में देश में सर्वाधिक राशि देता है। ओलंपिक की तैयारी करने के लिए 5 लाख रुपए की एडवांस प्रोत्साहन राशि देने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। इसके साथ ही एशियन पैरा एशियन कॉमनवेल्थ खिलाड़ियों को भी 2.5 लाख रुपए एडवांस देने का प्रावधान है। भाइयों बहनों, उद्योग प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने रोजगार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रदेश में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के विकास के लिए अलग से MSME विभाग का गठन किया गया है। प्रदेश में हरियाणा उद्यम रोजगार नीति 2020 लागू की गई है। इस नीति का लक्ष्य 5 लाख नई नौकरियों का सृजन करना है, 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश जुटाना है और निर्यात को दुगुना करना है। उद्योगों की कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करने हेतु औद्योगिक प्लांटों के लिए विशेष लीजिंग पॉलिसी बनाई गई है। प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर उद्योग में मध्यम उद्योगों के क्लस्टर स्थापित किए जा रहे हैं। उद्योगों में हरियाणा के युवाओं के लिए 75% आरक्षण दिया जा रहा है। हमने पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया है। PRI के अपने फंड ग्रांट यूनिट एड में से छोटे या बड़े जिस भी राशि के काम होंगे उसकी प्रशासनिक स्वीकृति ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद के स्तर पर होगी। सरकार का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। आज हरियाणा की गिनती देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों में होती है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जहाँ पढ़ी लिखी पंचायतें हैं। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य भी है जिसने शासन में पंचायती राज संस्थाओं की अधिक से अधिक भागीदारी के लिए अंतर जिला परिषद की गठन किया है। व्यापारियों के समस्याओं के समाधान के लिए हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया है। प्रदेश में 20 साल से अधिक समय से किराए या लीज अथवा लाइसेंस फीस पर चल रहे पालिकाओं की दुकानों को मिल्कियत पर उनका भी दुकानदारों को हुई दी है। व्यापारियों के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना और मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना शुरू की है। कहने का भाव यह है कि हमने प्रदेश में नई व्यवस्था बनाकर लोगों में नई उम्मीद जगाने का काम किया है। हमने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ओजस्वी मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के कुशल नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के दर्शन पर चलते हुए
प्रदेश की तस्वीर बदली है, लोगों की तकदीर बदली है, प्रदेश के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संस्कृति में बड़ा बदलाव किया है। समान विकास, जन जन के कल्याण और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के माध्यम से प्रदेशवासियों को नए विश्वास का एहसास कराया है। आज हरियाणा के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं फलीभूत हो रही है। समाज के हर वर्ग के कल्याण उत्थान और प्रदेश के हर क्षेत्र के समान विकास की बहुआयामी नीतियां लागू की गई हैं। विकास के लाभ अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक पहुंच रहे हैं। हरियाणा सरकार द्वारा गुड़गांव दिल्ली के बीच मेटा सेवा को नया आयाम दिया जा रहा है। गुड़गांव के रेतांगला चौक से दिल्ली के द्वारका सेक्टर 21 तक मेट्रो रेल कनेक्टिविटी परियोजना की DPR को मंजूरी दी गई है। यही नहीं, गुड़गांव के हुडा सेंटर, सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन से सोना रोड, राजीव चौक, रेलवे स्टेशन आदि क्षेत्रों को जोड़ने की योजना है, जिससे पुराने गुड़गांव शहर में भी मेट्रो का विस्तार होगा। मैं आप सभी का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहूंगा कि वर्तमान सरकार ने गुड़गांव को ट्रैफिक जाम से मुक्त शहर बनाने के लिए हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाएं लागू की हैं और कई परियोजनाएं पर अभी काम चल रहा है। लगभग 9,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे द्वारका एक्सप्रेसवे का निर्माण भी इस साल के अंत तक पूरा हो जाएगा। इसके साथ गुड़गांव में हरियाली बढ़ाने, तालाबों के पुनर्निर्माण पर भी काम हो रहा है ताकि वायुमंडल शुद्ध रहे, भूमिगत जल स्तर पर भी रिचार्ज हो। मुझे यह बताते हुए भी प्रसन्नता हो रही है कि भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन की कुछ बैठकों की मेजबानी हरियाणा को मिली है। इस ऐतिहासिक मेजबानी का अवसर हरियाणा में भी गुड़गांव को मिला है, यह हमारा सौभाग्य है। यहाँ 1 से 3 मार्च तक G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक होनी तय हुई है। इस सम्मेलन में 30 राष्ट्रों के अलावा 5 आमंत्रित सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पहली बार G20 ग्रुप की बैठकों की अध्यक्षता कर रहा है, यह सभी भारतवासियों के लिए गर्व की बात है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व एक सुलझे हुए रणनीतिकार के फलस्वरूप भारत की पहचान आज वैश्विक स्तर पर मजबूत हुई है। अंत में मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की पुनः बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आइए राष्ट्र स्वाभिमान के मौके पर हम देश और प्रदेश के नव निर्माण में अपने पूरे सामर्थ्य से जुट जाएं, जाने का संकल्प लें ताकि हमारा भारत एक बार फिर वही भारत बन जाए जिसके गौरव और वैभव की कहानियां हम अक्सर सुनते आए हैं। साथ ही हम सब एक बार फिर से राष्ट्र की एकता व अखंडता को बनाए रखने का संकल्प दोहराएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको गणतंत्र दिवस की पुनः बधाई देता हूँ। धन्यवाद।